काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहां एक तरफ प्रवेश परीक्षा का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीएचयू में लगातार बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज करीब शाम 6 बजे लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास गेट पर करीब 50 से भी ज्यादा छात्रों ने प्रोफेसर अनिल सिंह का घेराव कर लिया। छात्रों ने छात्रावास प्रबंधक अधिकारी से बातचीत कर अपनी मांगों को छात्रों ने रखा। मामला इतना आगे बढ़ गया कि छात्रावास प्रबंधक प्रोफेसर अनिल सिंह को बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड को अंत में फोन करना पड़ा, जिसके कुछ देर बाद बीएचयू के सुरक्षा गार्ड लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। वहीं छात्रों का कहना है कि बीएचयू में किसी भी छात्रावास के छात्र छात्राओं 5 सेमेस्टर की फीस जमा नहीं की है और उनकी फीस माफ की गई है, तो हमारी फीस क्यों ली जा रही है। छात्रों ने बताया कि कोविड-19 के चलते हमारे 5 सेमेस्टर में सभी हॉस्टल बंद रहे, हमने हॉस्टल की किसी भी सुख सुविधा का लाभ नहीं उठाया, तो फीस क्यों ली जा रही है। वहीं छात्रावास प्रबंधक प्रोफेसर अनिल सिंह का कहना है कि छात्रावास में इन छात्रों ने अपने रूम पर बाहरी छात्रों को बुलाकर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ते हुए पूरी बिजली की लाइन को भी ध्वस्त किया, इसीलिए उन सभी छात्रों से अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है। हालांकि अभी भी माहौल तनावपूर्ण स्थिति में बना हुआ है। वाराणसी से अमन शुक्ला की रिपोर्ट। मेरा नाम संतोष कुमार त्रिपाठी है। संतोष जी, क्या मामला है? मामला ये है कि आज कुछ छात्र हैं जो बातचीत करने के लिए बीएचयू एडमिनिस्ट्रेशन छात्रावास एडमिन वार्डन से बातचीत कर रहे थे। छात्रों का साफ कहना था कि जो रूल्स लागू किए गए हैं उस पर परिवर्तित करें और जो हमारे ऊपर अतिरिक्त शुल्क का भार डाला जा रहा है तो उससे हमें मुक्त किया जाए। चूँकि मामला ये है कि कोविड-19 की वजह से 5वें सेमेस्टर में हॉस्टल बंद था, बीएचयू यहाँ तक कि पूरा बंद था और अभी भी बंद भी है, चूँकि फाइनल ईयर वालों को खोला गया है। तो जाहिर सी बात है कि फाइनल ईयर के बच्चे जो थे वो अपना पास आउट हुए, उसके बाद जो उनको निड्यूज कराना था तो कुछ छात्रावासों में, जैसे कि बिरला आ है, बिरला सा है, तो इन छात्रावासों में वास्तविकता ये है कि फीस माफ़ की गई है 5वें सेमेस्टर की, और जबकि LBS छात्रावास में एडमिन वार्डन साहब का साफ तौर से कहना है कि हम फीस किसी प्रकार की माफ़ नहीं करेंगे, आपको ऊपरी उच्च अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, हमारे कोऑर्डिनेटर से बात करनी पड़ेगी और डीन ऑफ स्टूडेंट से बात करनी पड़ेगी, हम बिल्कुल भी फीस माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो ये निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोविड-19 में आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं सबके परिजनों की ख़राब हुई है। बी ए आर्ट्स फैकल्टी एक ऐसी फैकल्टी है जहाँ पर गरीब से गरीब परिवार के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ प्रशासन को भी समझना चाहिए और छात्रों के साथ इस प्रकार से तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। गुमशुदा की तलाश। नाम आयुषी सिंह उर्फ कुमकुम, पिता का नाम विनय सिंह। हुलिया लगभग 17 वर्ष, गोरा रंग, कद लगभग 5 फीट 5 इंच। पहनावा पीले रंग की कुर्ती, काले रंग की लेगी और सफेद रंग का दुपट्टा। दाहिने हाथ में भूरे रंग का पर्स था। उपरोक्त लड़की दिनांक 11 सितंबर 2021 दिन शनिवार को लगभग 11 बजे माधव सिंह बाजार में देखी गई थी, जो अभी तक घर वापस नहीं आई। तमाम खोजबीन के बाद अभी तक कोई पता नहीं चल सका। उपरोक्त लड़की के बारे में सूचना मिलने पर इस पते पर संपर्क करें। पता है ग्राम लक्ष्मणिया औराई जिला भदोही, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने पर 50,000 का इनाम दिया जाएगा। जैसे भी इनका पता चले जल्द से जल्द हमें संपर्क करें।